एक ऐसा महापुरुष, गुणों का मालिक भी, श्रमणों का माली भी, एक साधारण इंसान असाधारण गुण से ही असाधारण बन पाता है। आपको खास बनाने में कुछ न कुछ खास बात आम इंसान में होनी आवश्यक है। किसी महापुरुष में एक विशिष्टता होती है, किसी में दो तो किसी में चार। लेकिन यदि आपको ऐसे महापुरुष का परिचय करवाया जाए जो इतनी सारी विशिष्टताओं से भरपूर थे, जहां पर आसरा लेकर विशिष्टता भी अपने आप को साधारण सा महसूस करे, आइए आज बात करते हैं न्याय विशारद वर्धमान तपोनिधि सुविशाल गच्छ नायक पूज्यपाद भुवन भानु सूरी जी महाराजा की, जिनका जीवन ही विशिष्ट गुणों का ऐसा भंडार था जहां असाधारण गुण भी अपने आप को साधारण समझ लें। कल्पना करें तो आम आदमी एकाध गुण पाकर आनंदित हो उठे। यहां पर शायद गुरुदेव श्री को पाकर गुणों का समूह आनंदित हो गया था। वर्तमान में युवा श्रमणों की फौज देखनी हो, तप त्याग ज्ञान ध्यान के रंग बिरंगी पुष्पों जैसे गुणों की सुहास पानी हो, प्रवचन लेखन शिविर आयंबिल इत्यादि के प्रकाश की आश हो, या फिर भौतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा का सामंजस्य के साथ विकास देखना हो, तो आपको श्री भुवन भानु सूरी महाराजा एवं उनके आशीष से गौरवान्वित उनके श्रमण श्रमणी समुदाय का दौरा करना जरूरी है। श्री भुवन भानु सूरी महाराजा भुवन के लिए भी भानु यानी कि सूरज बने, अपने स्वयं के जीवन के लिए भी भानु बने। पूज्य श्री एक छोटी सी जिंदगी में कितने जीवन जी गए या कितनों की जिंदगी संवार कर गए, उसका जवाब देना शायद असंभव है। सूरज की रोशनी एवं चंद्र की चांदनी दोनों में अपना परोपकार का कार्य निरंतर जारी रखने वाले पूज्य श्री का जीवित अवस्था के साथ यहां से परलोक गमन के पश्चात भी समुदाय एवं स्मृति मंदिर के माध्यम से परोपकार करना जारी है। ब्रह्म मूर्ति पूज्यपाद प्रेम सूरी दादा के लाडले, उनके चरणों के आजीवन सेवक पूज्य भुवन भानु सूरी जी सचमुच इस भुवन में भानु बनकर आए, अनेक गुणों के मालिक बने और हम जैसे हजारों लाखों के माली बनकर चले गए। कहा गया है कि महापुरुष अपनी आयु पूर्ण होने पर इस दुनिया से विदा लेते हैं, लेकिन उनकी छाया उनका सानिध्य प्राप्त करके यदि आप खुद के मन और जीवन का परिवर्तन करना चाहते हो, तो आप उनकी दाह संस्कार से पावन बनी हुई भूमि का आलंबन ले लो, आप अवश्य पावन बन जाएंगे। जिन शासन के बगीचे के ऐसे श्रेष्ठ माली पूज्य आचार्य देव श्रीमद् द्विजय भुवन भानु सूरीश्वर जी महाराजा का स्मृति मंदिर अहमदाबाद में पंकज सोसाइटी की पावन भूमि पर स्थित है, ये स्मृति मंदिर हमारे मन की वृत्तियों को सम्यक बनाता है, हमारी काया की प्रवृत्तियों को सुधारता है। वहां गाई हुई स्तुतियां हमारी श्रुति को पावन करती हैं। ये स्मृति मंदिर शासन रक्षा एवं शासन प्रभावना की कृति का स्मारक है, अनगिनत चमत्कृति का भंडार है, हमारे गम की विस्मृति कराने वाला है और गुरु गुणों की स्मृति कराने वाला है। युवा शिविर सृष्टारं विशुद्ध ब्रह्मधारकं वर्धमान तपोधीशं सूरिभानुं नमाम्यहम्। सूरिदेवाय ॐ नमः।
नमः सूर्यदेवाय, ओम नमः सूर्यदेवाय। परम श्रेयस्विने परम विरागिने परमोपकारिणे परम गुणधारिणे परम मार्गदायिने परम संयम धारिणे परम योग योगिने परम प्रवचनकारिणे परम संवेगिने परम परम पुरुषार्थी रे। नमो नमः श्री सूर्य दिवाकराय स्वाहा, श्री सूर्य दिवाकराय स्वाहा 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 संयुताय पंचाक्ष संवराय पंच महाव्रत वीराय पंचाचार निमग्नाय पंच परमेष्टि भजकाय पंचम गति साधकाय पंच परमेष्टि भजकाय पंचम गति साधकाय पंच पीठिकाराधकाय पंच पीठिकाराधकाय मैत्री पूर्णाय पूर्णानंदाय आनंद संघाय संघरत्नाय मैत्री पूर्णाय पूर्णानंदाय आनंद संघाय संघरत्नाय रत्नोज्वलाय उज्ज्वल चारित्राय चारित्र प्रसिद्धाय वचनाय सिद्धागमाय सिद्धशास्त्रार्थाय नमो नमः श्री सूर्यदेवाकराय स्वाहा, श्री सूर्यदेवाकराय स्वाहा, श्री सूर्यदेवाकराय स्वाहा। रसाय जीत मोहाय जीत प्रमादाय जीत विकाराय जीत रसाय जीत मोहाय जीत प्रमादाय जीत विकाराय ज्ञान निधे क्षमा निधे पुण्य निधे वात्सल निधे दया निधे वर्धमान तपो निधे निरति चर चरित्रेण निर्मल चरित्र
चरित्रेण निशल चरित्रेण रागिणे अध्ययन रागिणे अध्यापन रागिणे जिन भक्ति रागिणे गुरु भक्ति रागिणे प्रमार्जना रागिणे अप्रमत्त योगिने समयोपयोग कारिणे समय संविज्ञाय समय वणिजे ज्योत्सना लेखकाय विपुल साहित्यकाराय औचित्यपराय विनयपराय वैयावृत्यपराय नमो नमः श्रीसूरि दिवाकराय स्वाहा श्रीसूरि दिवाकराय शारदाय न्याय निपुणाय न्याय पारंगताय न्याय दिवाकराय तत्वरतिकराय तत्वमतीराय तत्वचिंतकाय तत्वदृष्टिदाय तत्वचिंतकाय रत्नाय प्रवचन प्रवणाय वागीशाय उत्सर्ग प्रवाद चतुराय युवा शिबिर प्रेरकाय शासन रक्षक सर्जकाय युवा श्रमण सर्जकाय श्रमण रक्षकाय श्रमणाध्यापकाय विशाल गणनायकाय शासन नायकाय श्री भारती नंदनाय भवतरे रतत्रयारामाय पाप विशुद्धि निराया गुण कलमरालाया
जीवटाय दोषागद अंकराय ईश्वर तुल्याय श्रमण शिल्प कराय प्रियजननी समाय श्री सूरी दिवाकराय स्वाहा। अंतरिक्षयाय अंतरिक्षहृदयाय सामशिखराय सामचित्ताय भद्रेश्वराय भद्रचित्ताय विमलाचलाय विमलचित्ताय अपापनगराय अपापचित्ताय विशुद्धचित्ताय गंभीरचित्ताय प्रशामचित्ताय पावनतीर्थाय जंगमतीर्थाय मंगलतीर्थाय प्रयोजकाय सफल सिद्धिवाद विजयिने स्वगुण सिद्धाय विभाव वियुताय स्वभावरताय भेदभेद भाविताय शुद्ध चैतन्य निमग्नाय स्वरूपयुताय पौरभाव वियुताय निरंजनाय एकाग्रभावाय स्वात्मद्रष्टये सिद्धांतद्रष्टये श्याद्वाददृष्टये तत्वद्रष्टये द्वैतद्रष्टये सिद्धिद्रष्टये श्री सूरिदेवाकराय स्वाहा श्री सूरिदेवाकराय स्वाहा। क्रियानंदिने सदानंदिने अनानंद हारिणे अज्ञानत मोहारिणे मोहत मोहारिणे मिथ्यात्वत मोहारिणे शुद्ध सम्यक्त्वदायिने जाण्यापहारिणे सुयोग क्षेम कारिणे सुयोग योगिने शुद्ध प्रशित दायिने विशुद्ध संयम रागिणे शासन जय कारिणे शासन श्रेयस्कारिणे श्री सूरि दिवाकराय स्वाहा श्री सूरि दिवाकराय स्वाहा श्री सूरि दिवाकराय स्वाहा श्री सूरि दिवाकराय स्वाहा। सूरिदेवाय ओम नमः सूरिदेवाय ज्ञान गुरुवे आचार गुरुवे प्रवचन गुरुवे सुयोग गुरुवे सुदीश गुरुवे सुगुण गुरुवे शासन गुरुवे श्रीसंग गुरुवे जगद गुरुवे प्रिय गुरुवे परम गुरुवे गुण गुरुवे नमो नम्याय गुणस्तुत्याय
जपनीयाय जपनीयाय कृते लक्षणाय कुशलाय युवा जनतारकाय तपोगुणवीराय जिनशासन श्रेयस्कराय श्रीमते भुवन भानुसूरीश्वराय जलादिकं यजामहे स्वाहा ॐ ह्रीं श्री भुवन भानु सूरि सद्गुरुभ्यो नमः।